नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से कांग्रेस में उबाल आ गया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की, साथ ही चेताया कि जब तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अपने द्वारा दिए गए बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगते, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इसको लेकर आज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिंदुकता शहीद स्मारक पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा अध्यक्ष का पुतला दहन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भीमताल में आयोजित भाजपा की एक जनसभा में जिस तरह से ठहाके लगाए गए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, वह नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बंसीधर भगत जी, उन्हें कल भीमताल में जो डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदयेश नेता प्रतिपक्ष हमारी हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसको लेकर के बहुत बड़ा भारी आक्रोश कांग्रेस जनों में है। आज पूरे प्रदेश में सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इस भाषा की, अमर्यादित भाषा की निंदा की है और ये मांग की है कि बंसीधर भगत को माफ़ी मांगनी चाहिए। और आज हमने अखबार में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस संबंध में माफ़ी मांगी है, क्षमा चाही है। और उसी क्रम में आज बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ पर ये पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। हम सब लोग, सभी कांग्रेसजन, मातृशक्ति, युवा शक्ति, यूथ कांग्रेस, NSUI और प्रमोद कॉलोनी, उनकी पूरी टीम इस अमर्यादित भाषा जो बंसीधर भगत जी की है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसका नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, आज कहाँ चले गया, वो किस तरह से मर्यादा का हनन हो रहा है और मातृशक्ति का अपमान हो रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि बंसीधर भगत जी इस संबंध में माफ़ी मांगे। तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत जी ने हमारी कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष जो कि इस तरीके से हमारे उत्तराखंड में विकास की देवी कही जाती हैं, उनके ऊपर इस तरीके से अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग करा, जिसकी हम समस्त कांग्रेस जन इसकी घोर निंदा करते हैं और हम सब मांग करते हैं कि माननीय बंसीधर भगत जी को, हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, समस्त कांग्रेस जन से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से भाजपा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ आज आप तो कहाँ बेटी बचाएंगे कहाँ बेटी को पढ़ाएंगे, आप इस तरीके से एक महिला पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। आप जब एक इतनी बुजुर्ग महिला के लिए इस तरीके अपशब्द आपके मुँह से निकल रहे हैं तो आप छोटी छोटी बच्चियों को या जो भी हमारे देश की बच्चियाँ हैं, जो भी बेटियाँ हैं, उनको कहाँ से बचाएंगे कहाँ से पढ़ाएंगे। आप ही नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आप ही इस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, इस तरीके से निंदनीय भाषा का प्रयोग करते हैं और इसकी हम समस्त कांग्रेसियन घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तुरंत उन्हें इस्तीफा देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष पद से और हमारी नेता प्रतिपक्ष माननीय इंदिरा हृदयेश जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत जी हैं, उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार में है और इस प्रदेश की सबसे वरिष्ठतम नेता कहलाती हैं और जिन्होंने इस हल्द्वानी के विकास में, इस प्रदेश के विकास में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है, उन महिला के प्रति जिस प्रकार से बंसीधर भगत ने जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जो उन पर आरोप लगाए हैं, वो एक निंदनीय है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से बंसीधर भगत का हम लोग यहाँ पर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आज उन महिलाओं को इस प्रकार से जो इस शब्दों का प्रयोग जो उन्होंने किया, अमर्यादित तरीके से जो बयान दिया है, ये एक निंदनीय है। और हम उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी से कहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और बंसीधर भगत को इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।